नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आपके मोबाइल का बिल, रेल का सफर या फिर बैंकिंग सेवाएं कितनी महंगी हो रही हैं, इसका पता अब आपको चल सकेगा। सूत्रों के हवाले से दरअसल खबर ये है कि सरकार सेवाओं के महंगाई के लिए एक इंडेक्स लाने जा रही है और शुरू में इस इंडेक्स में 10 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। अभी थोक महंगाई दर WPI और रिटेल महंगाई दर CPI के इंडेक्स है और इस इंडेक्स का हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। मतलब WPI CPI के बाद PPI। मेरे सहयोगी डिम्पी काल इस वक्त और जानकारी और इसको और समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। डिम्पी, PPI क्या फायदे इसके और लाना क्यों जरूरी पड़ गया? देखिए, सर्विसेज अगर आपकी टोटल GDP का 60% है और इसको कि कवर नहीं कर रहा, तो सरकार को लगा कि हाँ, इसको कवर करने के लिए भी एक मेजरमेंट एजेंसी होनी चाहिए, इसलिए इसको PPI का नाम दिया। पूरा नाम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। ये जून से ट्रायल बेसिस पर सरकार इसको शुरू करना चाहती है। इसकी वजह क्यों? इसकी वजह ये क्यों, क्योंकि अभी तक सिर्फ दो ही चीजें ऐसी थी, CPI और WPI। CPI आपको पता है रिटेल बेसिस पर हम इस पे इन्फ्लेशन महंगाई देखते थे और WPI पे हम ये देखते थे कि थोक के दाम क्या बढ़ रहे हैं, बाजार में कैसे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर इसमें इंडेक्स में थोड़ा पुरानी आइटम भी हुआ करती थी, लेकिन ये सब चीजें नॉन सर्विसेबल ज्यादा हुआ करती थी। CPI में कुछ एक सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन WPI में तो सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती थी। अब सरकार ने सर्विसेज को भी इंक्लूड करने का मन बनाया, तो इसलिए पहले 10 सेक्टर्स को चुना गया है। वो 10 सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रेवल जैसी कुछ एक महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। इसके अंदर कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसका आकलन हो जाएगा। एक तो पहले यह पता लगेगा कि इससे सरकार को एक्चुअली चल क्या रहा है, और क्योंकि इससे आप किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं, भले आप इंस्टीट्यूशन हैं, भले आप रिटेलर हैं, एक आम आदमी हैं, आप खास आदमी हैं, आप इन सभी सेवाओं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए ये सेवाओं को मापने वाला एक इंडेक्स होगा। ये हालांकि अभी ट्रायल बेसिस पर है, जून पे शुरू होगा। सरकार को अच्छा लगा, समझ में आया, काफी इंफॉर्मेशन मिलने लगी, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपने एक्चुअली सेवाओं का नाम लिया, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी रेल यात्रा भी और साथ ही इंश्योरेंस भी। तो मसलन इन यात्राओं पर, इन सर्विसेज पर जैसे PPI आने की बात की जा रही है, कैसे फायदा मिलेगा, मतलब कैसे अनुमान इसका मिल पाएगा और बेस क्या रखा जाएगा? देखिए, इसका बेस बहुत साफ है। जैसे अगर आप सिंपल सा देखिए, अगर आप एयर ट्रेवल या रेलवे का ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें यह देखा जाएगा कि पहले टिकट कितने की थी और अब टिकट कितने की है, सेवाएं उस टिकट के अंदर क्या क्या इंक्लूड की गई है। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज में हैं, तो उसमें अंदर यह काउंट होगा कि आपको कौन से डायरेक्ट सर्विसेज दी जा रही हैं। जैसे कि इससे पहले तक क्या कोई सर्विसेज पे आपको कार्ड बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था या पैसे दिए जाते थे? आप बैंकों में क्या कुछ आपको अलग से फैसिलिटीज दी जा रही है, उसकी पेमेंट है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो सर्विसेज को मापा जाएगा उसकी फीस के साथ, ये फीस कितनी है और मूल टिकट कितने की थी। जैसे आपको पता है रेलवे के टिकट के साथ अलग अलग हिस्से, कंपोनेंट अलग अलग जुड़े होते हैं, वो सर्विसेज के साथ जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली इससे पता करना चाहते हैं कि सर्विस सेक्टर किस तरफ जा रहा है, किस पेस के साथ इन्फ्लेट होता है और उसका रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों पे कितना फर्क पड़ता है, ये उसको एवरेज करके बताएगा। एक और खास चीज है, इसकी एवरेज करके बताएगा। अभी WPI CPI आपको मंथ ऑन मंथ बताते हैं, लेकिन इसके अंदर एवरेज होगी। अभी एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता कि इसको 3 महीने या 10 महीने की एवरेज रखा जाएगा, बट एवरेज बेसिस पर आपको जानकारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिम्पी इस पूरी खबर पर और डिटेल में हमें बताने के लिए। तो PPI अगले महीने ट्रायल के तौर पर इंडेक्स शुरू होगा, इंडेक्स से सेवाओं की महंगाई पर नजर रखी जा सकेगी।